नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। एनटीटी शिक्षकों का भर्ती प्रोसेस शुरू करने की तैयारी, जल्द होगा समस्याओं का निपटारा। सिविल सप्लाई के कर्मचारी पर 55 लाख की ठगी का मामला, पुलिस करेगी पूछताछ। मंत्री महेंद्र सिंह का दावा, हिमाचल में आम आदमी पार्टी का भविष्य नहीं। कुलदीप सिंह राठौर भी लड़ेंगे इलेक्शन, बोले ठियोग से लड़ूंगा। विश्वविद्यालय प्रशासन पर बड़ा आरोप, चोर दरवाजे से हो रही भर्तियां। कितने छात्रों को मिला स्वर्ण जयंती योजना का लाभ, शिक्षा विभाग ने मांगा ब्यौरा। हफ्ता भर साफ रहेगा मौसम, फिर जारी हुआ लू चलने का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय श्री अरबिंदो पब्लिक स्कूल, साई रोड, बद्दी। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की बैठक में शिक्षकों की मांगों को जल्द निपटाने की बात कही गई है। ये बड़ी और अहम बैठक निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और निदेशक उच्च शिक्षा के साथ हुई, जिसमें 33 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की गई है। इस बैठक में 2555 एसएमसी अध्यापकों की मांगों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की बैठक में शिक्षकों की मांगों को जल्द निपटाने की बात कही गई है। यह बड़ी और अहम बैठक निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और निदेशक उच्च शिक्षा के साथ हुई, जिसमें 33 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की गई है। इस बैठक में 2555 एसएमसी अध्यापकों की मांगों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। सरकार पहले ही इन शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाए जाने की बात कह चुकी है और अब शिक्षा विभाग भी इसके लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही बैठक में प्रदेश में 2003 से पूर्व पेंशन की योजना को लागू करने, 20 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों के लिए तर्कसंगत नीति बनाकर विभाग अपने अधीन लाने को लेकर भी हामी भरी गई। प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में काम कर रहे सभी डीपीई को प्रवक्ता फिजिकल एजुकेशन का दर्जा देने, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में वाइस प्रिंसिपल के पद सृजित किए जाने तथा वित्तीय लाभ देने पर भी चर्चा हुई। प्रदेश के सभी प्री प्राइमरी विद्यालयों में एनटीटी अध्यापकों की नियुक्ति नियमित आधार पर की जानी है और काफी समय से शिक्षक इसका इंतजार कर रहे हैं। पुलिस थाना सुन्नी के तहत एक गैस एजेंसी के कर्मचारी द्वारा सीमेंट सप्लाई करने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत सिविल सप्लाई के एरिया मैनेजर ने पुलिस के पास दी है। पुलिस थाना सुन्नी के तहत एक गैस एजेंसी के कर्मचारी द्वारा सीमेंट सप्लाई करने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत सिविल सप्लाई के एरिया मैनेजर ने पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने एरिया मैनेजर की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी व्यक्ति शिमला के सुन्नी में एक गैस एजेंसी में कार्यरत था। गैस एजेंसी के साथ सिविल सप्लाई के सीमेंट का कारोबार भी था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने वर्ष 2016 से 2021 तक के कार्यकाल के दौरान सिविल सप्लाई के सीमेंट की सप्लाई पूरी राशि निगम को अदा नहीं की। 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान निगम को करीब 55 लाख रुपए की चपत लगाई है। एरिया मैनेजर रमाकांत चौहान ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी ने गैस एजेंसी में वर्ष 2016 से 2021 तक के कार्यकाल के दौरान करीब 54,93,546 रुपए का फ्रॉड किया है। एसपी शिमला मोनिका भटुंगरू का कहना है कि केस दर्ज कर मामले की कार्रवाई जारी है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। शनिवार को वे सचिवालय में मीडिया से बात कर रहे थे। महेंद्र सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी इससे पहले हाल ही में हुए चुनावों में उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ चुकी है। नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। जयराम सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा है कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। शनिवार को वह सचिवालय में मीडिया से बात कर रहे थे। महेंद्र सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी इससे पहले हाल ही में हुए चुनावों में उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ चुकी है। अधिकांश जगहों पर जमानत जब्त हुई है। पंजाब में इन्हें जीत जरूर मिली है, लेकिन उसके कारण अलग है। एक तो कांग्रेस की उछल कूद से लोग परेशान थे और किसान आंदोलन के कारण अकाली भाजपा गठबंधन से नाराजगी थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में लोगों को दिखी। हालांकि इस जीत में भी
देश से बाहर की कुछ ऐसी शक्तियों का हाथ है जो देश के लिए ठीक नहीं है। महेंद्र सिंह ने कहा कि पंजाब में भी लोगों को लगा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, इसलिए कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को देखा गया। लेकिन हिमाचल में परिस्थितियां ऐसी नहीं है, यहां जयराम ठाकुर के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है और पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास के मामले में राज्य का हर तरह से साथ दिया है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि हिमाचल का वोटर बहुत समझदार है, वह किसी के बहकावे में नहीं आता। मौसम चुनावी है तो बात भी चुनावी होगी, और भला इलेक्शन कौन नहीं लड़ना चाहता। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के दिल की बात भी जुबान पर आ गई। बोले, बोलेंगे तो लड़ लूंगा। अब ये अलग बात है कि लोग उनकी चाहत के कितने कायल हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने ऐलान किया है कि अगर पार्टी ने चाहा तो वह ठियोग कुमारसैन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। ये बात राठौर ने शनिवार को ठियोग में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक के दौरान कही। राठौर ने आने वाले विधानसभा चुनावों में ठियोग कुमारसैन सीट से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लोगों की इच्छा और पार्टी के आदेश पर छोड़ दिया है। राठौर ने कहा कि पार्टी के आदेशों के अनुसार ही वह चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जनाधार पिछले चुनावों और वर्तमान समय में बिल्कुल भिन्न है और पूरे जिला शिमला में कांग्रेस सबसे मजबूत ठियोग में हुई है। पूरे प्रदेश में पिछले 3 सालों में उन्होंने गुटबाजी को खत्म करने को जो बीड़ा उठाया था, उसके काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गैर शिक्षक कर्मचारियों के चारों संगठनों के चुने हुए पदाधिकारियों की एक आपात बैठक राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विश्वविद्यालय में पिछले कुछ समय से आउटसोर्स के नाम पर पिछले दरवाजे से की जा रही भर्तियों पर कड़ा संज्ञान लिया तथा इन भर्तियों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गैर शिक्षक कर्मचारियों के चारों संगठनों के चुने हुए पदाधिकारियों की एक आपात बैठक अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विश्वविद्यालय में पिछले कुछ समय से आउटसोर्स के नाम पर पिछले दरवाजे से की जा रही भर्तियों पर कड़ा संज्ञान लिया। इन भर्तियों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया गया। एक तरफ तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने खाली पड़े पदों को विज्ञापित कर रखा है तथा उन भर्तियों को करने में प्रशासन जानबूझकर देरी कर रहा है। ऐसे पदों के विपरीत आउटसोर्स पर भर्तियां कर अवैध नियुक्तियों को अमली जामा पहनाया गया है। कुछ कार्यालयों में तो आज भी बिना काम और बिना जरूरत के लोगों को नियुक्तियां दी जाती हैं। बैठक के बाद जेसीसी के प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगने के लिए अधिशासी अभियंता का घेराव भी किया। इस तरह की नियुक्तियों का समस्त रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग उठाई गई। प्रदेश के स्कूलों में स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना का लाभ कितने छात्रों को मिल पाया है, शिक्षा विभाग की तरफ से इसका डाटा मांगा गया है। इस योजना के तहत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं। आइए जानते हैं क्यों ये डाटा मांगा गया है। प्रदेश के स्कूलों में स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना का लाभ कितने छात्रों को मिल पाया है, शिक्षा विभाग की ओर से इसका डाटा मांगा गया है। इस योजना के तहत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है कि जिला में कितने छात्रों को ये राशि जारी हुई थी, ये छात्र कहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग संस्थानों को जो इन्होंने फीस दी है वह किस माध्यम से दी गई है। इसका पूरा ब्यौरा तैयार कर शिक्षा निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र के साथ एक परफॉर्मा भी जारी किया गया है, स्कूल प्रधानाचार्य इसे वेरीफाई करेंगे। परफॉर्मा में छात्र के हस्ताक्षर भी होंगे। शिक्षा उपनिदेशकों को कहा गया है कि संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल से इस राशि का खर्च ब्यौरे का प्रमाण पत्र शिक्षा निदेशालय भेजें। योजना के तहत चयनित मेधावी छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, लॉ सहित एनडीए की कोचिंग लेने के लिए सरकार की ओर से ये राशि दी जाती है। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, नजर डालते हैं इस वेदर रिपोर्ट पर।
आने वाले चार दिन मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 6 अप्रैल तक मौसम के साफ रहने के आसार जताए हैं। ऐसे में हफ्ते तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। रविवार को भी प्रदेश के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में लू चलने की चेतावनी जारी हुई है। हिमाचल प्रदेश में आगामी 4 दिन तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मैदानी कई भागों में लू चलने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। ऊना में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चलते चलते में नजर डालेंगे इन बड़ी खबरों पर। पति का सिर धड़ से अलग, पत्नी की टूटी टांगे। देहरा में चंडीगढ़ धर्मशाला NH पर ब्यास पुल की रेलिंग से टकराने से पेश आया दर्दनाक हादसा। स्वारघाट के री गांव में थ्रेशिंग के लिए रखे गेहूं के 400 बंडल जलकर हुए राख। गरीब परिवार पर आया अनाज का संकट। सुंदरनगर में जले मकान, गौशाला। जड़ोल के भांगला में भयंकर लपटों ने स्वाह किया सामान, लाखों की क्षति। कुल्लू पुलिस ने दिल्ली में दबोचे चिट्टा सप्लायर नाइजीरियन। अदालत ने 5 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेजे दोनों आरोपी। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।